हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज अगेन मैं एक वेट लॉस की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूं। रेसिपी इट मींस कि ये एक स्नैक है, आपका एक इवनिंग स्नैक है, जब आप चाय के साथ कुछ भी लेना चाहो या फिर जब आप बाहर जाते हो तब आप अगर डाइट में हो तो लोगों के यहाँ का नहीं खाना चाहते हो तो आप इसको अपने डब्बे में पैक करके जस्ट लाइक स्नैक खा सकते हैं। और साथ ही साथ इस स्नैक की सबसे अच्छी खूबी क्या है, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में, इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में है, यानी आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी अच्छा ये रखेगी, वेट लॉस काफ़ी अच्छा करेगी, आपके हेयर्स को काफ़ी अच्छा करेगी, आपका बैली फैट काफ़ी अच्छा घटाएगी, यानी कि आप कुछ अच्छा खाते हुए, हेल्दी खाते हुए काफ़ी अच्छे से वेट लॉस करोगे। और कीटो फ्रेंडली वाले भी इसे खा सकते हैं, काफ़ी औसम है। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे जो है वो शेयर किया जाए, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग ऐसे बोलते थे कि स्नैक कोई बताइए, स्नैक बताइए, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ जब जो है शेयर करना ज़रूरी समझा। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगी उन सबके प्रोडक्ट के बाय लिंक दे दूँगी, बिकॉज आप सब लोग बोलते हैं कि आपने इसका लिंक नहीं दिया, इसका लिंक नहीं दिया, तो सारी चीज़ों का लिंक भी मैं दे दूँगी, आप परचेज कर सकते हैं। और ऑसम प्रोडक्ट है, ऑसम डिश है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। साथ ही साथ मैंने एक न्यू चैनल भी लॉन्च किया है, उसका लिंक ऊपर आपको शो हो जाएगा, जस्ट वहाँ पे जाके आप क्लिक करके उस चैनल पर डायरेक्ट पहुँच के उसको सब्सक्राइब करिए, देन फिर इस वीडियो पे आइए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल नहीं है तो आपको लेना है ऑलिव ऑयल, दो ऑयल में से कोई एक ही ऑयल लीजिएगा। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी बादाम, और जो इसकी क्वांटिटी है वो है 200 ग्राम्स एंड प्राइस है 210 रुपीज़, 250 ग्राम्स है इसकी, जो है वो है 250 ग्राम्स। तो ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें इसको रोस्ट करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है वो फ्लेम को बहुत ही लो पे रखना है, बिल्कुल भी आपको तेज नहीं करना है। इसके बाद आप इसे हल्का सा ब्राउन होने तक, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो है फ्लेम धीमे पे ही रख के आपको इसे ब्राउन करना है, यानी कि बादाम हल्के से पॉप होने लगेंगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इट मीन्स आपके बादाम हो गए हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगने वाला है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो और कमाल करेगा आपकी डाइट में, बिकॉज इसमें उसमें इतना सब कुछ है कि आपके हेयर्स, आईज, आपके बैली फैट, आपका थाइस फैट सब कुछ जाने वाला है और हेयर्स भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आपको प्रोटीन मिलेगा, यानी ये जो नमकीन है आप इंजॉय भी बहुत करोगे और आपका वेट भी बहुत तेज़ी से लॉस होगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे बादाम हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, तो आप एक प्लेट पे टिश्यू पेपर बिछा के उसमें इसको निकाल लीजिए ताकि ये जो एक्सेस ऑयल है वो उस टिश्यू पेपर में आ जाए। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो हमेशा चाहे नारियल तेल में बनाऊँ चाहे जिसमें बनाऊँ, जो एक्सेस ऑयल है उसे हमेशा निकाल देती हूँ ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। और मतलब कि मैं निकाल ही देती हूँ एक्सेस ऑयल, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि एक्सेस ऑयल निकाल दीजिए, आप एक टिश्यू पेपर में इसे रख दीजिए। देन उसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन बताती हूँ कि आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है। उस सेम पैन में ना ही ऑयल डालना है ना कुछ डालना है, उसे वैसे ही छोड़ देना है। और देन उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, और उसे आपको रोस्ट करना है हल्के से ब्राउन तक, अच्छे से जो है रोस्ट करना है। एक्चुअली ये जो कद्दू के बीज होते हैं उसमें कैलोरी कम, फाइबर और विटामिन ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा इसमें मिनरल्स और सबसे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होता है जो वज़न कम करने में बहुत ही मददगार होता है। इसके साथ ही साथ जो कद्दू के बीज हैं वज़न कम करने में बहुत ही लाभकारक हैं, और इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, फ्लोरेट
ग्लूटामिक एसिड और मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर फैट बर्न करने में मदद करता है। कद्दू के बीज कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं या प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। कद्दू का बीज हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, इसीलिए इस नमकीन में मैं इसे यूज कर रही हूँ। किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं? सेम जिस प्लेट में आपने जो है वो बादाम निकाले थे उसी प्लेट में आपको इसे निकाल देना है, और जिस मतलब कि जो मैंने टिश्यू पेपर रखे थे उसी में इसे निकाल के आप दोनों को मिला लीजिए। देन उसके बाद फिर मैं एक टिश्यू पेपर लूंगी और ये सारी चीजें उसमें टर्न करूंगी। प्लेट पे दो टिश्यू पेपर बिछाए हैं और सारी चीजें मैं यहाँ पे निकाल दूंगी, यानी कि वो जो टिश्यू पेपर था जो भी उसमें एक्सोज ऑयल था उसे अलग कर दूंगी। देन इसके बाद साफ टिश्यू पेपर में एक चीज में लेके अच्छे से मिलाऊंगी। देन अब मैं मसाले ऐड करूंगी, अकॉर्डिंग आपके ऊपर है। जैसे मैंने इसमें जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च एंड सेंधा नमक, इतनी ही चीजें डाली हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कौन से मसाले डालना चाहते हो और क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो। तो मैंने सिर्फ इतनी ही चीज़ें ऐड की हैं, आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड क्या बोलते हैं क्यूमिन पाउडर, नमक, इतनी चीज़ें ऐड करके आपको मिला के एक एयर टाइट बॉक्स में इसे भर के रख दीजिए। जब भी चाय पीजिए, कुछ भी खाइए, इवन आप इसको एक टिफिन बॉक्स में रख के अपने पर्स में रख लीजिए, ऑफिस में ले जाइए, जब भी आपका कुछ स्नैकिंग का मन हो आप इजी होके खा सकते हैं और काफ़ी अच्छा सा फील होगा कि आप स्नैक भी ले रहे हो और ये आपकी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचा रहा है, इवन हार्म की जगह आपको बहुत ही बेनिफिट होता है इसको खाने से। पम्पकिन सीड्स का मैंने यूज़ किया है वो न्यू हब्स के हैं, अनरोस्टेड हैं और प्योर हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि न्यू हब्स हमेशा से प्योरिटी की गारंटी देता है, इसलिए मैंने इसके दो तीन सीड्स और भी मंगवाए हैं आपसे। इससे पहले चिया सीड भी शेयर किया हुआ है, सनफ्लावर सीड्स भी शेयर किया हुआ है पम्पकिन, क्योंकि मैंने बोला था आप बारी सीड्स ये है जो मैं सीड्स अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करती हूँ। और मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है इसके जो है तो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, काफ़ी अच्छा है अगर आप इसको कीटो में शामिल करना चाहते हैं। रिच इन फाइबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बैली फैट के लिए। रिच इन मैग्नीशियम एंड जिंक है जो आपके नाखूनों, हेयर, ब्यूटी एंड बॉडी की सारी चीज़ों के लिए बहुत ही आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी अच्छा रखेगा। साथ ही साथ 200 ग्राम जो है आपको मिलेगा 280 में। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो है बिल्कुल साफ आता है, एक भी कण आपको गंदगी का नहीं मिलेगा, जो सबसे खास बात मुझे लगती है जस्ट पैकेट खोला। एंड आप अगर बादाम के साथ ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप बादाम के साथ बिल्कुल भी मत ऐड करिए, जस्ट इसको ऐसे ही आप रोस्ट करके खा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और अगर आप इसे खरीदना चाहें तो लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बाद में पूछते हैं कहां से लिया, क्या लिया, क्यों लिया, तो इसीलिए मैंने अब आपको प्रोडक्ट भी बताने स्टार्ट कर दिए हैं। रेसिपीज में प्रोडक्ट नहीं बताती थी लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन की वजह से मैंने बता दिया। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये ग्लूटेन फ्री भी है, तो जो लोग भी इन ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं या कुछ भी है तो वो इसे ऐड कर सकते हैं विदाउट बादाम, अगर आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। बाय लिंक मैंने नीचे दे दिया है तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत आसान है, मैंने जो ऑयल यूज़ किया उस ऑयल को भी इतना ज़्यादा लेस में यूज़ किया कि वेट बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। मैंने आपका वेट बहुत तेज़ी से लॉस होगा। स्पाइसेस हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, आपको तीखा पसंद है तीखा, नॉर्मल पसंद है नॉर्मल डालिए। और अगर आप अलमंड्स नहीं यूज़ करना चाहें तो आप अलमंड्स हटा सकते हैं, प्लेन आप जो है पम्पकिन सीड यूज़ कर सकते हैं। और पम्पकिन सीड्स हाई इन प्रोटीन है, हाई इन फाइबर है, हाई इन मैग्नीशियम है, हाई इन पोटेशियम है, ऑसम प्रोडक्ट है, ग्लूटेन फ्री है। जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं वो भी इसे ले सकते हैं। अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।